बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी कहीं मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से ऑल ओवर प्रिंट की ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। समर की ड्रेसेस पर अगर आप अपनी कोई ऑल ओवर ड्रेस है उस पर डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, ये आइडियाज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑल ओवर प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है और इस पर डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऑर्गेन्जा का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आप ऑर्गेन्जा को यूज़ करके किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप लेसिस का यूज़ कर सकते हैं, पैचेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कटवर्क का यूज़ करके अपनी प्लेन ओवर ड्रेस को या फिर आप अपनी ऑल ओवर ड्रेस को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, हो सकता है कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसा आइडिया जो आपको पसंद आ सकता हो, आप उसे मिस कर दें। इसमें नेक लाइन के आइडियाज़ भी आपको मिल जाते हैं कि हम प्लेन और प्लेन ड्रेस पे या फिर ऑल ओवर ड्रेस पे हम किस तरह नेक लाइन की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम उस पर स्लीव डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, या फिर हम उसके दामन पर किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ट्राउज़र्स पर किस तरह डिज़ाइनिंग अच्छी लग सकती है, और कौन सी चीज़ें आजकल ट्रेंड में जा रही हैं, कैसी ड्रेस के साथ हम कैसे जूते कैरी कर सकते हैं, या हम किस तरह मेकओवर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।